आज बनाएंगे हम लोग पकौड़े वाली कढ़ी। तो चलिए आज इसकी रेसिपी देखते हैं। तो कढ़ी के लिए हम लोग लेंगे 4 बड़े चमचे दही। कोई भी आप एक छोटी कटोरी ले सकते हो या फिर एक चमचा ले सकते हो, उससे आप 4 कटोरी या 4 चमचे का नाप लेके इसमें डाल दो दही। ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए दही, थोड़ा खट्टा। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी बेसन और इसे डाल के हिलाएंगे और इसके अंदर के सारे लम्ब्स यानी कि गुठलियाँ हटा देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच ही नमक। तीनों मैंने बराबर मात्रा में लिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये घोल बनके बढ़िया तैयार हो गया है। मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी में इस बर्तन को पूरा भर दूंगी इससे। सो करीबन आप इसके अंदर 4 बड़े कप पानी डाल सकते हो। तो देखिए बिल्कुल पतला कर लिया है मैंने इस घोल को। इसमें मैंने 4 से 5 बड़े कप पानी डाल दिया है। अब तेल में मैं सबसे पहले डालूंगी राई यानी कि सरसों और 1/2 छोटा चम्मच जीरा। अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हींग और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च जिन्हें मैंने काट लिया है। अब इसमें ये कढ़ी का घोल डाल देंगे और इसे लगातार हिलाएंगे ताकि इसमें लम्ब्स ना पड़े। अब इसे अच्छे से पकने देंगे। तो कढ़ी के अंदर उबाल आ चुका है, आप देख सकते हो। इसे बीच बीच में हिलाते रहें इस तरह से और एक अच्छे उबाल आने का हम लोग इंतज़ार करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से उबाल आ चुका है इसमें। अब इसको धीमी आंच पे पकने देंगे। पकौड़े के लिए मैं ले रही हूँ 2 बड़े चमचे बेसन और इसमें डालूंगी मैं 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे हाथ में कुछ इस तरह से मसल के डालना है, और 1/4 छोटा चम्मच इसमें मैं डाल दूंगी हींग, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच ही जीरा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा पुदीना और इन सबको एक बार मिला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे पानी और पकौड़े के लिए घोल तैयार करेंगे। सारे बेसन को इसमें अच्छे से मिला लें और एकदम बढ़िया सा घोल तैयार करें। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी और इसे लगातार एक ही डायरेक्शन में फेटूंगी ताकि पकौड़े थोड़े सॉफ्ट बने। इसे लगातार एक ही डायरेक्शन में फेटें। अब एकदम सही कंसिस्टेंसी का घोल बनके तैयार हो चुका है। अब कढ़ाई में हम लोग तेल गरम कर लिया है तो पकौड़े निकाल लेते हैं। तो छोटे छोटे पकौड़े बनाने हैं हमें, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। तो सारे पकौड़े एकदम अच्छे से मैंने लाइट ब्राउन कलर में फ्राई कर लिए हैं। अब इन्हें एक थाली में निकालेंगे और इन्हें हाथ से क्रश करेंगे ताकि जब हम इसे कढ़ी में डालें तो कढ़ी इसके अंदर तक चली जाए और पकौड़े अंदर तक मॉइस्ट हो जाएं। तो कढ़ी को पकते हुए 1/2 घंटा हो गया है। अब मैं इसमें सारे पकौड़े डाल दूंगी। तो कढ़ी को पकने में समय लगता है, जितनी देर तक कढ़ी पकेगी उतना ही अच्छा उसका स्वाद आएगा। तो कम से कम 1/2 घंटा तो ज़रूर पकाएं। अब बस एक उबाल आएगा और हम लोग कढ़ी को उतार लेंगे गैस से। तो बढ़िया सी कढ़ी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है पकौड़े वाली। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं।
तो गर्मा गर्म पकौड़े वाली कढ़ी और उसके साथ में चावल, तो ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़े बने हैं। तो पकौड़े वाली कढ़ी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस डिश को ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे। बहुत ही फटाफट पकौड़े वाली कढ़ी किस तरह बन के तैयार हो जाती है। थैंक यू सो मच।